जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबानी, आपकी अपनी नेशनल न्यूज इंडिया पर। संश्री आसाराम जी, बापू के बारे में मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था, यूट्यूब पे भी देखा था, बहुत सारे जगह पे इस केस को पढ़ा भी, देखा भी, तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना आज यहाँ का थोड़ा सा न्यूज़ कवर करते हैं। एंड जैसे मैंने एंट्री की तो मैंने देखा कि ओ माय गॉड, शंसी आसाराम जी बापू को जेल में गए हुए 11 साल होने जा रहे हैं लगभग, और फिर भी पब्लिक इतनी ज़्यादा आई है, इनके जो भी साधक हैं उनको वो चीज़ मिल रही है, उनको वो पॉजिटिविटी मिल रही है, उनको वो ओरा मिली, और उनका कुछ ना कुछ तो भला हुआ है। किसी भी फ्रॉड इंसान का वाइब इतना अच्छा हो सकता है, किसी भी बलात्कारी का वाइब इतना अच्छा हो सकता है, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल है और जिसके अंदर वो सत्ता है, तभी तो लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। हजारों की आप बात करें, लाखों पब्लिक ऐसी है जो संत आसाराम जी बापू को सपोर्ट करती है और उनके साथ है। 12 सालों से जेल में रहने के बावजूद उनके साधक इतने कनेक्टेड हैं, क्योंकि ये वो संत हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को घटने से रोका है, जिन्होंने हिंदुओं को जागृत किया है अपने धर्म के बारे में। जिन्होंने लॉ किया है उनको तो एग्जैक्टली पता ही होगा, बट जिन्होंने लॉ नहीं किया है वो भी अगर संत आसाराम जी बापू के केस को स्टडी करेंगे ना, तो उनको साफ साफ दिखाई देगा कि केस कुछ बनता ही नहीं है। और सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि न्यायपालिका को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सब कुछ दिखता है, केवल यही नहीं दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गोल्डी सिंह और मैं एयर न्यूज़ कंपनी में एज अ न्यूज़ एंकर काम करती हूँ। तो मैंने सोचा कि संश्री आसाराम जी बापू के बारे में मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा था, यूट्यूब पे भी देखा था, बहुत सारे जगह पे इस केस को पढ़ा भी, देखा भी, तो मुझे लगा कि चलो क्यों ना आज यहाँ का थोड़ा सा न्यूज़ कवर करते हैं कि इतना भीड़, इतनी पब्लिक क्यों आ रही है। आप किसी को अगर ये कहते हो कि नहीं ये क्रेजी हैं, ये अंधविश्वासी हैं, इनको नॉलेज नहीं है, बस जो दिशा दिखा दिया, जो डायरेक्शन दिखा दिया, उसी में पागल की तरह भागते हैं, तो कोई कितने दिनों तक, कितने सालों तक पागल की तरह भागेगा? 2 साल, 1 साल, 3 साल? यहाँ पर तो शंसी आसाराम जी बापू को जेल में गए हुए 11 साल होने जा रहे हैं लगभग, कहीं ना कहीं पब्लिक को, कहीं ना कहीं इनके जो भी साधक हैं उनको वो चीज़ मिल रही है, उनको वो पॉजिटिविटी मिल रही है, उनको वो ओरा मिली, और उनका कुछ ना कुछ तो भला हुआ है। एक चीज़ होती है कि यूनिवर्स में देखा जाता है कि पॉजिटिव कनेक्शन, ठीक है, तो उस पर मैं 2 शब्द ये कहना चाहूँगी कि आपका कनेक्शन है और आपको वो चीज़ मिल रही है, तब तो आप यहाँ से जुड़े हो। आपको कहीं ना कहीं वो अनुभव हुआ है तब तो आप जुड़े हो। जिनको अनुभव नहीं हुआ है नो डाउट वो दूर हो गए होंगे, बट जिनके साथ खुद में अनुभव हुआ है कि नहीं मैं इस संत से जुड़ी थी और मुझे फ़ायदा हुआ है, तो आप मुझे ये बताइए, किसी भी फ्रॉड इंसान का वाइब इतना अच्छा हो सकता है, किसी भी बलात्कारी का वाइब इतना अच्छा हो सकता है, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअल है और जिसके अंदर वो सत्ता है, तभी तो लोगों को उससे बेनिफिट मिल रहा है। हजारों की आप बात करें, लाखों पब्लिक ऐसी है जो संत आसाराम जी बापू को सपोर्ट करती है और उनके साथ है। इवन जो उनके साधक नहीं है उनको भी मैंने आसाराम जी बापू के बारे में कहते हुए सुना है कि यार इतने ओल्डर संत को जिन्होंने केस को स्टडी किया है उनको पता है कि केस में कुछ रखा ही नहीं है, फिर भी आजीवन कारावास दे दिया है, और जबकि जब वहाँ पे वो उम्र कैद की सज़ा में है और वहाँ पर उनका जो व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है वो पूरी तरीके से अच्छा होने के बावजूद भी उनको वहीं पर रखा गया है। जबकि नॉर्मली केसेस में देखा जाता है कि आप पे केस साबित हो भी जाता है, आपको आजीवन कारावास दे भी दिया जाता है, फिर भी अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आफ्टर सम ईयर आपको वहाँ से रिलीज़ कर दिया जाता है, आपको वहाँ से बरी कर दिया जाता है, बट यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? आप इस चीज़ को समझिए, इसका रीज़न ये है क्योंकि ये वो संत हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को घटने से रोका है, जिन्होंने हिंदुओं को जागृत किया है अपने धर्म के बारे में कि किसी के भी बहकावे में आपके आप अपना धर्म परिवर्तन मत करो। सबसे पहला कारण ये है, ये किसी एक की इतनी औकात नहीं है कि इतने बड़े संत को जिसकी ऊरा इतनी बड़ी है, आप बिलीव करेंगे 11 सालों से जेल में रहने के बावजूद उनके साधक इतने कनेक्टेड हैं, विच मीन्स आप उस संत की ऊरा और उनकी जो सत्ता है उसके बारे में सोच के ही आप देखिए, आपके रोंगटे ना खड़े हो जाए तो कहिए। तो इतने बड़े सत्ताधीश को अगर आपको उनके ऊपर उंगली उठानी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा इसमें। और सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि न्यायपालिका को ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है, बाकी सब कुछ दिखता है, केवल यही नहीं दिख रहा है। ये शिकायत तो खैर मेरी भी है, क्योंकि एक
11 सालों में देखा बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिली, राहत मिली, सब कुछ मिला, आसाराम जी बापू को इलाज कराने तक के लिए भी नहीं मिला। एग्जैक्टली तो यही मैं कह रही हूँ कि किसी को भी न्यायपालिका को अदर जो भी हैं, बहुत सारे समाज में जन समाज के लिए, समाज की हेल्प के लिए बहुत सारे लोग अपना दल बना के तैयार रहते, तो क्या उनको भी ये चीज़ें नहीं दिख रही है? कोई ऐसा बड़ा परिषद, कोई ऐसा बड़ा संगठन अगर स्टैंड ले तो मैं मानूं कि आप वास्तव में हिंदू धर्म के साथ में हो, आप वास्तव में एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति के साथ में हो जो बिना किसी दोष के जेल में बैठा हुआ है। क्योंकि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट की बात की जाए तो खरोंच तक के निशान नहीं है, मतलब, और तब के DCP अजय पाल लाना जब जांच अधिकारी वहाँ के, तो उनका भी कहना था कि 376 बनता ही नहीं है, उसके बाद मतलब आज रेप करके मतलब चिल्ला रहे। मैं वही चीज कह रही हूँ कि आप अगर एक बार केस को स्टडी करें ना, इवन जिन्होंने लॉ किया है उनको तो एग्जैक्टली पता ही होगा, बट जिन्होंने लॉ नहीं किया है वो भी अगर संत आसाराम जी बापू के केस को स्टडी करेंगे ना, तो उनको साफ साफ दिखाई देगा कि केस कुछ बनता ही नहीं है। लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ नहीं है, बॉडी पे कोई स्ट्रेचेस नहीं है, उसके वो जब रिपोर्ट लिखवाने आती है तो हादसा कब हुआ है और वो कितने गैप के बाद में आ रही है, देयर इज़ नथिंग, फिर भी ये स्टैंड लिया गया है, तो जाहिर सी बात है बड़े लोगों का हाथ है, इसीलिए लिया गया। कहीं ना कहीं न्यायपालिका सरकार को भी देखना चाहिए, ऑफ कोर्स देखना चाहिए। आप सोचिए ना, इतने लाखों, अभी अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी, मैं किसी को स्पेशली जज नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किसी को भी आप ले लीजिए, अगर 1000 लोग भी उसके सपोर्ट में है ना, तो अगले दिन न्यूज़ चैनल में आ जाता है, अगले ही दिन उसको दिखाने लगते कि भाई अनशन पे बैठे हैं या फिर 1000 लोग इनके सपोर्ट में। यहाँ तो लाखों की तादाद में पब्लिक है, यहाँ पे क्यों नज़र नहीं जा रही है, यहाँ पे क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, ये मेरा भी एक बड़ा सवाल है। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं, आप FIR भी देख लें, FIR में भी बच्ची ने 376 का आरोप नहीं लगाया। हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट जो दिल्ली से आई है हमारे पास, मेडिकल रिपोर्ट में भी किसी भी तरह से 376 के आरोप के पक्ष में कोई एविडेंस नहीं है। वेरी फर्स्ट डे से हम ये कह रहे हैं कि 376 का ना कोई मेडिकल एविडेंस है, ना कोई पीड़िता ने आरोप लगाया है। आरोप पीड़िता ने जो आरोप लगाए हैं वो उसके साथ छेड़खानी करने के आरोप लगाए। जानिए हर सच की कहानी, दिनेश ठक्कर के जुबान, आपकी अपनी नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।